तो आपकी किन किन आपकी किन किन मांगों को लेकर मांगे मांग ली गई है? हमारी ये मांग मान ली गई है कि हमें जो लाइट 6 बजे की किसान बोल रहे थे वो 5:30 बजे की कर ली गई है। प्रशासन और ये सीताराम जी के नेतृत्व में बात हो गई है। अच्छा। एक हमारे को ट्रांसमीटर वो पास हुआ था, उनको एन साहब बोले कि वो जल्दी से जल्दी वो लगवा दिया जाए। एक्शन साहब और एन साहब। तो क्या इस मामले से आप संतुष्ट है सारे गांव वाले? हाँ संतुष्ट। तो धरने को समाप्त कर दिया गया है? हाँ धरने को समाप्त कर दिया गया और बिजली जुड़वा दी गई। 5:30 चलो बहुत बहुत 5:30 देंगे तो आगे अगर 5:30 बजे से बिजली मिली तो हमें ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद। चालू है अगर नियम पर नहीं रहे अगर, तो धरना अगर 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 वापस गड़बड़ की तो वही धरना चालू है वापस। तो आपका क्या कहना है सर? अगली बार ये धरने से नहीं चलेगा, हनुमान बेनीवाल साहब आएंगे इधर। ऐसा है एसी साहब से एन साहब से एक्शन साहब से बात होने के बाद में तो ये किया गया कि 5:30 बजे किसानों को बिजली दे देंगे और ये इनके ट्रांसमीटर वाली जो मांग थी वो भी एसी साहब ने आश्वासन दिया कि 15 दिन में हम ये आपको लाइट की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और ये ट्रांसमीटर रख दिया जाएगा है ना, और 15 दिन में रख दिया जाएगा। यदि प्रशासन खरे नहीं उतरे तो हम तो फिर है जो मतलब हमारा जोड़ी झंडा लेकर के और विधिवत रूप से कानूनन रूप से बैठ करके धरना देंगे और धरना देके हमारी मांगे मनवाएंगे। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के साथ है और मैं किसानों के साथ हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उपाध्यक्ष मेरे को जो बनाया गया तो ये समस्याओं का समाधान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मेरे को बनाया गया। आज भी मैं गया था आज जहाँ रतनगढ़ में और ये सरकारी लोग हठधर्मिता कर रहे थे मेरे जाने के बाद सभी इधर उधर हो गए तितर बितर। और पड़ियारा में एक 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, वहां पर भी मैं मौके पर गया था। ये अशोक गहलोत की नाकामयाब सरकार जिसमें ये भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, दलाल फैले हुए हैं, ऐसा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम एकजुट होकर के और आने वाले चुनाव में और इनको धराशायी कर देंगे। और ये हमारी जब राजस्थान में 2023 में सरकार आई तो हरा भरा राजस्थान करके दिखाएंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और टोल मुक्त राजस्थान करेंगे, कर्ज मुक्त किसान करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़े बड़े फैसले लेगी। बेरोजगार जो लोग हैं हमारे उन बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी और ये सब सुविधाएं। और आज जो अभी ये जो रेप हुआ 14 साल की बच्ची के साथ, आज कोई सुरक्षित नहीं है। ये VCPT सरकार इनको मात्र राज चलाना है, जनता की व्यवस्था कुछ नहीं देखनी है। ये जनता की व्यवस्था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देखेगी और इनकी हठधर्मिता 2023 में उजागर करेगी। कहां कहां क्या कर रहे हैं जो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब के सामने है, सबके बीच है। ये जनता को जो कहां कहां ये परेशानियां देते हैं कि आपके सबके सामने है, तो हम ये जो मोनोपोली हठधर्मिता नहीं चलने देंगे। आज वाले धरने की बात रही, ये सब अधिकारी लोगों के द्वारा किसानों के द्वारा मेरे बीच समझौता हुआ 5:30 बजे बिजली देंगे, ऐसा नहीं किया तो विधिवत रूप से फिर हम धरना जारी कर देंगे। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के आदेशानुसार धन्यवाद। सारे किसान भी तय दिल से हनुमान जी बेनीवाल के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। ठीक है सब, ठीक है चलो।